गणितीय आगमन सिद्धांत एवं द्विपद प्रमेय के अध्याय में द्विपद प्रमेय के बारे में पढ़ाई करेंगे। द्विपद प्रमेय के बारे में जानने से पहले हम श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। श्रेणी को अंग्रेजी में सीरीज कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसी से संबंधित है द्विपद प्रमेय। श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें संख्याओं को एक निश्चित नियम या क्रम से प्लस और माइनस यानी धन और ऋण चिन्ह के साथ समायोजित किया जाए या रखा जाए, ऐसे संख्याओं के समूह को हम श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, हमारे पास संख्याओं का समूह है जैसे 2, 4, 6, 8 डेस 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 अनंत तक। इन संख्याओं को यदि हम प्लस और माइनस चिन्हों के साथ यदि समायोजित करें यानी रखें, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डेस 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 अनंत तक की पदे होंगी, तो ऐसे संख्याओं के इन समूहों को हमने प्लस चिन्ह के साथ में समायोजित किया है, रखा है, इसलिए इसे हम श्रेणी कहेंगे। दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं, उदाहरण नंबर पहला है ये, तो ये उदाहरण नंबर दूसरा, यदि हम संख्याओं को इस तरीके से सेट करें जैसे 10 + 6 + 2 - 2 - 6 - ... अनंत तक। यहाँ पर संख्याओं के ऐसे समूहों को हम प्लस और माइनस चिन्ह के साथ में समायोजित किए हैं, इसलिए ये भी श्रेणी कहलाएगा। तो हमने श्रेणी की परिभाषा देखा, अब देखते हैं द्विपद प्रमेय किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूँ। मान लेते हैं, माना कि n एक धन पूर्णांक संख्या है तथा x और a दो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तब x प्लस a का पावर n के प्रसार को श्रेणी के रूप में व्यक्त करने वाले पदों को द्विपद या पदों को ना लिख करके हम यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रमेय लिख लेते हैं, व्यक्त करने वाले प्रमेय को द्विपद प्रमेय कहते हैं। द्विपद प्रमेय कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा को एक बार और ध्यान देंगे। हमारे पास एक कोई संख्या है, एक धन पूर्णांक संख्या, और x और a कोई दो वास्तविक संख्या हो, तो ऐसी स्थिति में x प्लस a का पावर यानी घातांक n हो, तो जब इसका प्रसार करेंगे और उसका प्रसार को हम श्रेणी के रूप में, इसके प्रसार को श्रेणी के रूप में जो जिसकी परिभाषा हमने ऊपर में बताया है उसके रूप में व्यक्त करेंगे, तो उस प्रमेय को हम द्विपद प्रमेय कहते हैं। अभी हम देखते हैं इस x प्लस a के प्रसार को कैसे, x प्लस a के पावर n को कैसे प्रसारित करते हैं, इसका विस्तार कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास x प्लस a का पावर n है, इसका जब प्रसार करेंगे तो ये हमारा n c0 x का पावर n माइनस जीरो इंटू a का पावर जीरो प्लस n c1 x का पावर n माइनस वन इंटू a का पावर वन प्लस n c2 x का पावर n माइनस टू इंटू a का पावर टू प्लस डेस 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 डेस
बीच में और पद ले सकते हैं एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू ए का पावर आर प्लस डिस 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 प्लस आगे पद एन पदों तक लेने से इसका प्रसार लेने से एन सी एन एक्स का पावर एन माइनस एन इंटू ए का पावर एन यानी x प्लस ए का पावर n है इसका जब प्रसार किए तो हमने n पदों तक a का पावर n तक इसका प्रसार किए और इसका प्रसार हमने श्रेणी के रूप में किया है तो इसे हम द्विपद प्रमेय कहेंगे और द्विपद प्रमेय में x प्लस ए का पावर n का प्रसार इस रूप से होगा जहां हमें बताना है जहां एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी आर डिस 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 एन सी एन द्विपद गुणांक कहलाता है जिसके बारे में द्विपद गुणांक कहलाते हैं जिसके बारे में हम लोग पहले ही अध्याय में पढ़ चुके हैं इन्हें संचय गुणांक भी कहा जाता है तो अब इसका प्रसार इसके प्रसार को हम लोग देखते हैं तो इसमें हमको खास बातें क्या देखने को मिलती है देखिए जब हम संचय प्रथम संचय को देखते हैं तो एन सी जीरो यानी शुरुआत में सी में जीरो लगा हुआ है आधार और यहां पर इसी जीरो को लिखना है एक्स का पावर एन माइनस जीरो और यही जीरो ए का पावर जीरो हो जाएगा यानी जो C के नीचे आधार में जो संख्या आएगी उसी को x के पावर माइनस n के में माइनस करेंगे और a का पावर भी लिखेंगे ऐसे ही एन सी वन एक्स का पावर n माइनस वन इंटू ए का पावर वन है और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो जब इनका प्रसार करने पर बीच में अगर कोई पद लेते हैं r तो एन सी आर लेंगे एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू ए का पावर आर हो जाएगा प्लस डेस 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 एन पदों तक आगे प्रसार करेंगे तो एन सी एन एक्स का पावर एन माइनस एन इंटू ए का पावर एन होगा इसी प्रसार को हम दूसरे रूप में अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा एक्स प्लस ए का पावर एन बराबर इसे हम कैसे लिख सकते हैं देखिए तो एन सी जीरो का मान होता है वन तो ये हो जाएगा वन इंटू एक्स का पावर एन इंटू ए का पावर जीरो है तो उसका मान भी होता है वन तो इस तरीके से ये गुणा करने पर देखेंगे बाद में क्या होगा एन सी वन एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स का पावर एन माइनस टू इंटू ए टू प्लस डेस 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 प्लस एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू ए का पावर आर प्लस डेस 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 और यहाँ एन सी एन का मान भी वन होता है और x का पावर n माइनस एन यानी जीरो हो जाएगा तो उसका मान भी वन होगा और यानी बचेगा केवल प्लस a का पावर n तो यहाँ पर हम लोग कारण बता सकते हैं चूंकि एन सी जीरो एन सी एन इन दोनों का मान वन होता है और a का पावर जीरो x का पावर जीरो इनका मान भी वन होता है इस तरीके से ये द्विपद का प्रसार हमें अब प्राप्त होता है x का पावर n प्लस एन सी वन एक्स का पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स का पावर n माइनस टू इंटू ए का पावर टू प्लस डिस 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 प्लस एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर इंटू ए का पावर r प्लस डिस 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 प्लस a का पावर n यानी हमारा द्विपद का प्रसार द्विपद इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें दो पद का इस्तेमाल किया जाता है x और दूसरा a इसलिए इस द्विपद का जब प्रसार करेंगे तो इसका वास्तविक रूप ये है और इसका परिवर्तित रूप ये है तो अब इस तरीके से द्विपद प्रमेय का हमको प्रयोग करके कुछ सवाल हल करने हैं चलिए सबसे पहले सवाल हल करने के पहले हम कुछ देख लेते हैं कि इसमें से प्रसार करने पर हमें कुछ विशेष गुण दिखाई देता है जैसे उदाहरण के लिए देखिए ये जो है इस प्रसार का पहला पद है
पहला पद है लेकिन सी में जो आधार लगा हुआ है वो जीरो है। दूसरा पद है इस प्रसार का लेकिन यहाँ पर एक कम है दो से, यानी हर बार ये तीसरा पद है तो ये दूसरा सी टू मिला है। तो इस तरीके से ये हमारा जो पद होगा आर है, मतलब ये पदों की संख्या हो जाएगी आर प्लस वन, एक ज़्यादा मिलेगा। यानी ये तीसरा नंबर का, यहाँ से शुरुआत करें गिनने को तो ये तीसरा नंबर का पद है लेकिन सी में आधार हमको क्या मिल रहा है टू, तो ये आर है तो एक बढ़ जाएगा, ये आर प्लस वन वह नंबर का पद होगा। और उसी ही हम लोग कहते हैं व्यापक पद, यानी इसके प्रसार में ये अब व्यापक पद कहलाता है। व्यापक पद का मतलब ये होता है कि उस पद के माध्यम से हम यहाँ प्रसार में जितने भी पद प्राप्त हुए हैं उनको हम आर का मान रख के प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तो यहां पर लिखेंगे, यहां प्रथम पद T1 जिसे हमने नाम दिया है पहला पद T1 वो हो जाएगा एन सी जीरो एक्स का पावर n माइनस जीरो इंटू ए जीरो। दूसरा पद, इसको द्वितीय पद लिखेंगे, ये T2 होगा, ये हो जाएगा एन सी वन एक्स का पावर n माइनस वन इंटू ए। और तृतीय पद T3 ये कहलाएगा एन सी टू एक्स का पावर n माइनस टू इंटू ए का पावर टू। और यही आगे क्रम बढ़ता जाएगा तो हमें प्राप्त होगा T आर प्लस वा आर प्लस वन वा पद। और ये आर प्लस वन वा नंबर का जो पद होगा उसका फार्मूला होगा एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू ए आर। और इसे ही हम लोग कहेंगे आर प्लस वन वा नंबर के पद को व्यापक पद। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए व्यापक पद का जो फार्मूला यानी सूत्र हो जाएगा अब एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू ए का पावर आर। चलिए, ये हमारे द्विपद के प्रसार में व्यापक पद हमें प्राप्त हुआ। इसी व्यापक पद के माध्यम से हम कुछ सवाल हल करेंगे आगे। चलिए अब आते हैं कुछ मध्य पद ले लेते हैं, मध्य पद के बारे में देख लेते हैं क्या होता है मध्य पद। मध्य पद का मतलब होता है बीच का पद। मध्य पद द्विपद के प्रसार में हम लोग मध्य पद निकालेंगे। मध्य पद का मतलब बीच का पद। तो हमने देखा कि जब x प्लस a का पावर n है तो उसके प्रसार में प्रसार जब करते हैं तो हमें जो पावर जो रहता है n उसका पावर है उस प्रसार का, तो हमें पदों की टोटल संख्या हमें प्राप्त होती है n प्लस वन, यानी एक ज़्यादा प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण देखिए, यहाँ पर x प्लस टू है का पावर फाइव है, तो जब इसे हम उसी द्विपद के जैसे प्रसार करेंगे तो हमें यहाँ पर पदों की संख्या सिक्स मिलेगा, छः पद मिलेंगे इसके प्रसार करेंगे। यानी हमको हमने जो प्रसार पढ़ा है x प्लस ए का पावर n, तो हमें इसमें पदों की टोटल संख्या कितनी मिलेगी n प्लस वन। तो अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे मध्य पद के बारे में। मध्य पद का मतलब होता है बीच का पद। तो यहां पर मध्य पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है यह है यदि n बराबर सम हो तब मध्य पद ज्ञात करने का जो फार्मूला है, मध्य पद उसे ज्ञात करने का फार्मूला है n बाई टू प्लस वन वा नंबर का पद। यदि n सम होगा तो हमें मध्य पद प्राप्त करने के लिए उस सूत्र का इस्तेमाल करना है। सेकेंड नंबर की कंडीशन ये है यदि n विषम हो, विषम ऑड नंबर, तब मध्य पद दो होंगे, दो मध्य पद होंगे। तो प्रथम मध्य पद
प्रथम मध्य पद ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है n प्लस वन बाई टू वा पद, और द्वितीय सेकंड नंबर का मध्य पद ज्ञात करना है तो हमारे पास फार्मूला है n प्लस थ्री बाई टू वा पद। तो इस तरीके से हमने देखा कि द्विपद के प्रसार में यदि n मध्य पद ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारे पास दो अलग अलग सूत्र हैं। n जब सम होगा तो मध्य पद ज्ञात करने का वो फार्मूला, और n विषम हो, घातांक विषम होगा तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो मध्य पद होंगे, और उस दो मध्य पद में प्रथम मध्य पद को ज्ञात करना है तो ये फार्मूला, द्वितीय मध्य पद को ज्ञात करना है तो उसके लिए ये सूत्र है। चलिए कुछ सवाल हल कर लेते हैं। अब चलिए प्रश्न है एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 6.2 का दूसरा का चौथा नंबर का सवाल, मैं प्रबोध की बुक से लिया हूं, प्रबोध की बुक से। तो प्रश्न है x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर 10 के प्रसार में छठवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे, हमारे पास ये द्विपद दिया गया है, इसका प्रसार, इसका घातांक है n, तो इसके प्रसार में हमको छठवां नंबर का पद ज्ञात करना है। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे हल, तो सबसे पहले तो हमें जो सवाल में दिया है x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर 10 है, इसे हम इस रूप से बदल सकते हैं। कैसे, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे माइनस लगा करके ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और पूरे का पावर 10 ऐसा लिख सकते हैं। प्लस माइनस चिन्ह को हमने प्लस में बदल दिया तो माइनस को अंदर लेना पड़ेगा। इस तरीके से करने पर हमें ये जो द्विपद का जो फार्मूला हमने पढ़ा है प्रसार का, उसी रूप में ये प्राप्त होता है, x प्लस a का पावर n के रूप में, x की जगह x क्यूब और a की जगह माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और n की जगह आ गया है 10। तो इस तरीके से अब हमें इसके प्रसार को, इसके प्रसार में छठवां जो पद है उसके लिए हमको यहां से इसे देखना है, इसका छठवां पद क्या होगा उसे देखते हैं। तो चलिए छठवां पद को हम लोग लिख सकते हैं t6, और t6 को हम लोग लिख सकते हैं t5 प्लस 1, यानी इसका जब प्रसार होगा तो छठवां नंबर का जो पद होगा वो t5 प्लस 1 होगा, यानी r का मान हमको अब कन्फर्म हुआ है। तो हमारे पास जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार, कौन सा सूत्र, कि t r प्लस 1 नंबर का जो पद होता है उसका फार्मूला है हमारे पास ncr इंटू एक्स का पावर n माइनस r इंटू a का पावर r, ये हमारे पास फार्मूला है। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हमको इसके बदले में लिखना है। तो पांचवा नंबर का जो पद होगा तो इसके लिए देखिए n के जगह हमको 10 रखना है और r के जगह रखना है 5, तो ये हो जाएगा 10c5, और x के जगह हमें रखना है यहाँ पर x क्यूब और उसका पावर 10 माइनस 5 इंटू a की जगह हमारे पास है -1/x² और उसका पावर r मतलब रखना है 5। तो इस तरीके से हम इसके बदले में हमारा जो छठवां नंबर का जो पद है वास्तव में t5 प्लस 1 नंबर का पद होगा उसे हम ऐसा लिखेंगे इस सूत्र के माध्यम से, व्यापक पद के सूत्र के माध्यम से। अब इसी को हल करेंगे तो वो छठवां नंबर का पद हमको प्राप्त होगा। तो 10c5 ये संचय का सूत्र है, उसके हिसाब से इसका जब प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10
फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 5, ब्रैकेट में 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल इनटू ये 10C5 का प्रसार करने पर ये प्राप्त हुआ। इसके बारे में बताएंगे सूत्र कहां से आया। फिर x का पावर 3 का पावर फिर से 5 हो जाएगा, 10 में से 5 5 घटाएंगे तो 5। और इसके बाद माइनस चिन्ह का पावर 5 है तो यहाँ पर हमें -1 प्राप्त होगा, और x का पावर 2 और 5 का गुणा होगा पावर घात का तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरीके से इनको हल करने पर हमें ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ हमें बताना है, चूंकि NCR का जो फार्मूला है, संचय का फार्मूला होता है, सूत्र वो है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इस तरीके से ये सूत्र होता है, हम बता दिए। इसी सूत्र के तहत हमने 10C5 को प्रसार किया है। अब फैक्टोरियल 10 और यहां से हमको प्राप्त होगा फैक्टोरियल 5 और यहां फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को प्रसार करेंगे और 10 सॉरी प्रसार करेंगे और दूसरे को ज्यों को त्यों रख देंगे। क्यों? क्योंकि 10 फैक्टोरियल 10 का जब प्रसार करेंगे हम तो हमें वहां पर फैक्टोरियल 5 ऑलरेडी मिलेगा, इसलिए उसके साथ उसका कटना होगा। तो यहां पर हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। इसके बारे में हम लोग पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फैक्टोरियल n का प्रसार कैसे करते हैं, उसके सूत्र को अभी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और इस यहाँ से जो फैक्टोरियल 5 मिलेगा उसका प्रसार कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया इसे हल करने पर। और यहाँ x का पावर, इसको आप ब्रैकेट खोल देंगे तो 3 और 5 का गुणा हो जाएगा ये 15 इंटू -1 अपॉन x का पावर 10। यहाँ पर हमें इस फैक्टोरियल 10 के बारे में बताना है कि हमने इसको कैसे प्रसारित किया। तो हमारा एक पिछले वाले चैप्टर में पढ़े हैं, चूंकि फैक्टोरियल n इक्वल टू यानी बराबर होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश 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 करते तक ये 3, 2, 1। ये हमारे पास सूत्र है, क्रमित गुणन बोलते हैं। इस तरीके से इसका प्रसार हुआ। चलिए अब आगे इसको हल करना है, तो हल कैसे कर सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 आपस में कट जाएगा ऊपर और नीचे। हमारे पास इन संख्याओं को भी आपस में काट सकते हैं। काटने पर देखिए 2 और 3 2 3 6 होगा, इस 6 के साथ में काट सकते हैं ऐसे। फिर 4 और 8 को काट सकते हैं, 4 एकम 4 4 दोने 8। फिर 5 को काट सकते हैं, 5 एकम 5 5 दोने 10। तो इस तरीके से ये 2 बचा 9 बचा 4 बचा, तो इस तरीके से 2 दोने 4 4 और 9 36। 4 और 9 को गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। और उसके बाद इधर चलते हैं, तो इधर x का पावर 15 है गुणा नीचे में है x का पावर 10, तो इनको आपस में हम काट सकते हैं। तो x का पावर 10 पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5। तो इस तरीके से प्लस और यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस 36 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा x का पावर 5। तो इस तरीके से ये हमारा छठवां पद हमें प्राप्त होगा। ये हमारा छठवां पद होगा फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10 का प्रसार 10, 9, 8, 7, 6, 5। ठीक, तो इस तरीके से ये छठवां पद हमें प्राप्त होता है। अब हमें अगला सवाल देखना है, अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये कहता है, हमारा अगला सवाल है प्रश्नावली 6.2 का तीसरा नंबर का पहला सवाल। प्रश्न है 4/3
एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x का पावर 9 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। इसका प्रसार करेंगे और हम मध्य पद प्राप्त करेंगे। चलिए हल करना शुरू करते हैं। हमारे पास इस द्वि पद के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है, तो वो किस पर निर्भर करता है? उन सूत्रों को लगाने पर। चलिए हमारा जो सवाल है वो है 4/3x² - 3/2x का पावर 9 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो सूत्र लिखाए हैं, तो वो उन दोनों सूत्र में से किसका इस्तेमाल करना है वो इस घातांक को देख करके करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ घातांक n बराबर 9 है और इसके बारे में बता देना है कि ये सम है कि विषम है। तो हमारे पास ये विषम है, तो विषम है जब कभी भी हमारे पास पावर जो है विषम मिले तो हमारे पास दो मध्य पद होते हैं और उनको ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग सूत्र हैं। तो उसी के बारे में देखना है। यहाँ घातांक विषम मिला है तो दो मध्य पद होंगे, तो यहाँ लिखना है हमको अतः प्रसार में दो मध्य पद होंगे। तो प्रथम मध्य पद कौन सा होगा उसके लिए हमारे पास सूत्र है प्रथम मध्य पद। तो प्रथम मध्य पद हमारे पास फार्मूला है n+1/2 वां पद, और इसी n की जगह हम मान रखते जाएंगे तो उसके बाद हमें कौन सा नंबर का पद है वो प्राप्त हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो n का मान जब रखेंगे 9, तो 9^(1/2) वां पद, फिर अगला 9 और 1 = 10 हो जाएगा, 10/2 वां पद, और इसे हम काट सकते हैं 2 + 2 = 2, 2 × 5 = 10, यानी अब हमारा क्लियर हो गया पांचवा नंबर का पद। यानी इसका जब प्रसार करेंगे तो पांचवा नंबर का जो पद होगा वो प्रथम मध्य पद होगा। तो ये पांचवा नंबर का जो पद है इसे हम T5 कहते हैं, और T5 को हम लोग लिखते हैं T4+1, यानी हमारा R का मान अब क्लियर होता है 4। तो इस तरीके से R+11 नंबर का पद का फार्मूला, जिसे हम व्यापक पद कहते हैं, उसका फार्मूला यानी सूत्र लगाएंगे और उसके बाद हम पांचवा नंबर का पद इसके प्रसार में क्या होगा उसे प्राप्त करेंगे। तो अब हमारा T4+11 नंबर का जो पद होगा वो हो जाएगा अब 9C4 और x का पावर, x के जगह अब ये है पूरा 4/3x² इंटू हमारा होता है अगला जो पद है वो a होता है, तो a के लिए हमारे जो सूत्र में हमने लिखा है वहां पर प्लस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस है, तो माइनस के साथ में लेना है a को, तो ये हो जाएगा -3/2x⁴। तो ये कहाँ से आया इसके बारे में हमको यहीं पर बता देना है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है TR+1 नंबर का जो पद है उसका फार्मूला होता है NCR × x⁻ⁿ − R × a⁻⁷। इस तरीके से ये फार्मूला की जैसा ही ऐसा रहता है तो ऐसा लिखते हैं, इसी के अनुसार हमने ऐसे पद को इस रूप में लिखा है। तो इसका प्रसार पांचवा नंबर का पद करने पर ये हमें प्राप्त हुआ पांचवा नंबर। अब इसे हल करेंगे, तो हल करने पर कैसे करते हैं, फैक्टोरियल 9 है, NCR का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला संचय का लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, तो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 और 9 − 4 का फैक्टोरियल, ये 9C4 का होगा। इसका प्रसार करेंगे, अच्छा एक चीज भूल गए हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 9 − 4, इसका जो 4/3 का इंटू एक्स स्क्वायर का पावर 9 − 4 हो जाएगा। तो अगला क्या हो जाएगा, 4/3x² है, इसका पावर अब 9 में से 4 घटाएंगे तो वो बचेगा 5 इंटू
यहाँ पर इसे चाहे तो हम लोग डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, यानी माइनस का चार बार, चार घातांक है, चार बार गुणा होगा तो प्लस चिन्ह मिलेगा, प्लस चिन्ह को लिखना नहीं है, छोड़ देते हैं। तो अब थ्री का करते हैं, तो थ्री का पावर फोर है, तो क्या होता है, तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस और सत्ताईस तिया इक्यासी। और अगला दो का करेंगे तो दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, और एक्स का पावर हो जाएगा फोर। तो इस तरीके से इनको हल करने पर यह प्राप्त हुआ। अभी हम लोग यहां पर पहुंचते हैं, यहां पर हल करेंगे तो 9 माइनस 4 घटाएंगे तो यहां फैक्टोरियल 5 मिलेगा, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 तक इसका प्रसार करेंगे हम, तो इस तरीके से यह मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 4 का प्रसार करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इन्हें घटाने पर हमें प्राप्त होता है फैक्टोरियल 5। फिर अगला काम, हम इस पद में जब जाते हैं तो हमारा x पूरे का पावर 5 है, तो हम इसको फिर से खोल सकते हैं ब्रैकेट को, तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, और 4 का 5 बार गुणा करेंगे तो 4 का 5 बार गुणा करेंगे तो 4 चौंक 16, फिर 4 चौंक 16, 4 चौंक 16 16, ऐसे हमको प्राप्त हो सकता है। और एक बार फिर 4 लिख देते हैं, ऐसा लिखने से क्योंकि बाद में काटना है हमको तो आसानी हो जाती है। दूसरा तीन का करेंगे तो तीन तिया नौ गुणा तीन तिया नौ, और फिर से एक तीन को लिख सकते हैं ऐसा, इस तरीके से, और ये हो जाएगा 81/16 एक्स का पावर 4। अब सबको हल करने पर हमको देखते हैं ऊपर और नीचे दोनों फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को आपस में काट सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं तीन और दो, तीन दो नहीं 6 होगा, तो इस 6 को ऊपर वाले 6 के साथ में काट सकते हैं, 4 को काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने पर हम लोग 81 को काट सकते हैं 9 गुणा 9 से, 9 निया 81 होता है, तो इस 81 के साथ काट सकते हैं। ये 16 को हम लोग इस 16 के साथ में काट सकते हैं, और इस 3 को काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इस तरीके से ऊपर और नीचे सभी काटने पर हमें यही प्राप्त हुआ। अगला एक चीज हम लोग यहाँ पर और भूल चुके हैं, x का पावर 2 का पावर 5 है, उसे लिखना भूल गए हैं, तो यहीं पर लिख देते हैं x का पावर 2 और 10, 5 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरीके से x का पावर 10 को x का पावर 4 के साथ में काट सकते हैं, x का पावर 4 पूरा कट जाएगा और इसका घात काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो इस तरीके से काटने का काम पूरा खत्म। अब हमारे पास बचा 3, 2, 7, 16 और 4, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 3, 2, 6, 6, 7, 42 और 42 और 64, 16, 64, इनको आपस में गुणा कर देते हैं तो 42 गुणा 64, तो 4, 2, 8, 4, 4, 16, फिर 6, 2, 12 हासिल आया, 1, 6, 4, 24 और 1, 25। तो इस तरीके से जोड़ने पर 8, 8, 6 और 2, 2688 हमें संख्या प्राप्त होगी। उस संख्या को अब लिखेंगे, तो इसके बाद अगला जो पद होगा वो होगा 2688, और हमारे पास जो बचा हुआ है x का पावर 6 वो हो जाएगा, और इस तरीके से ये जो पद प्राप्त हुआ 2688 x का पावर 6 यही हमारा प्रथम मध्य पद कहलाएगा, ये प्रथम मध्य पद होगा। तो हमें अब प्रथम मध्य पद प्राप्त हो चुका है, अब अगला जो द्वितीय नंबर का मध्य पद है उसे हम प्राप्त करेंगे। तो ये प्रक्रिया ऐसी है अपनानी है, हमारे पास द्वितीय मध्य पद के लिए जो सूत्र है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब लिखेंगे द्वितीय मध्य पद, तो द्वितीय मध्य पद के लिए हमारे पास जो फार्मूला है n+3/2 वा पद, तो अब n का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 9+1/2 वा पद, और 9 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 9, 3, 12/2 वा पद,
और दो से काटेंगे, दो एकम दो, दो छः का 12। तो इस तरीके से हमें ये प्राप्त होता है छठवां पद। और इसके प्रसार में छठवां पद को हम लोग लिखते हैं T6, और T6 को लिखते हैं T5+1, यानी अब हमको R का मान प्राप्त होता है। अब उसी सूत्र के रूप में जो व्यापक पद का जो सूत्र है, जिसे हम TR+11 नंबर का पद कहते हैं, उसका सूत्र लगाएंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा 9C5, और x के जगह लिखना है 4/3x² का पावर 9-5 इंटू -3/2x पूरे का पावर हो जाएगा 5। तो ये फार्मूला कहाँ से आया फिर से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सूत्र हम पीछे लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब सीधा प्रसार करते हैं, NCR का जो फार्मूला लगता है संचय का वही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 और ये फैक्टोरियल 5 और 9-5 का फैक्टोरियल इनटू, यहां पर पहुंचते हैं, ये हो जाएगा 4/3x² पूरे का पावर, अब हो जाएगा 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और इनटू यहां पर पहुंचते हैं, यहां पर हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं मान, क्योंकि पावर 5 हमें प्राप्त हो चुका है, तो ये हो जाएगा माइनस, और 3 का फिर से वैसी 3 का पावर 5 है तो ये हमें मिलेगा 81, 3 * 9, 9 * 27 और 27 * 81, 3 * 9, 9 * 27 = 87, 87 * 81, 81 * और करना है। तो हम लोग चाहे तो इसको सरल बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, 3 * 9, 3 * 9 चार बार हो गया और 1 * 3 ऐसा लिख सकते हैं ताकि सरल हो। अगला नीचे में आ जाते हैं, 2 * 2 = 4, 2 * 2 = 4 और फिर 1 2 लिख देते हैं और x का पावर 5। तो इस तरीके से हमने इसको सरल किया है। अब अगला आते हैं, यहाँ पर अगले पद में हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल 9 का प्रसार करेंगे, तो हमें फैक्टोरियल 5 पहले से प्राप्त हो चुका है, हम इसका प्रसार फैक्टोरियल 5 तक करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 * 8 * 7 * 6 * 5 और अपॉन फैक्टोरियल 5, और 9 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा बचेगा फैक्टोरियल 4। यहाँ इसे हल करने पर हम लोग 4/3 है उसका पावर 4 लगा हुआ है, तो 4 * 16 फिर 4 * 16 ऐसा करके सरल कर सकते हैं, 3 * 9, 3 * 9 लिख सकते हैं, फिर x का पावर 2 का फिर से पावर 4 है तो x का पावर ये आपस में गुणा हो जाएगा और 4 * 2 = 8 हो जाएगा। अगला जो पद है लास्ट वाला, उसे हम ज्यों के त्यों लिख दें ताकि बाद में काटें, 9 * 9 * 3 और नीचे में है 4 * 4 * 2 * x^5। तो इस तरीके से अब हमारा पूरे सवाल में अब हम काटने का काम करेंगे, सभी को हमने प्रसार कर दिया है, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 ऊपर नीचे कट जाएगा। अभी हमारा एक काम और बच गया, फैक्टोरियल 4 को हमको प्रसार करना है, चलिए बाद में काटेंगे, यहाँ से उधर काट देंगे, तो 9 * 8 * 7 * 6 और फैक्टोरियल 4 का प्रसार करेंगे तो 4 * 3 * 2 * 1 * 16 * 16 16 * 16 ये काटने का काम बाद में यहाँ करेंगे, x^8 - 9 * 9 * 3 और ये 4 * 4 * 2 * x^5। इस तरीके से हम प्रसार करने के बाद हम देखते हैं कि ये 6 3 * 2 = 6 इनका गुणा करने पर 6 होता है, इनको इस 6 के साथ में काट सकते हैं, 4 को काट सकते हैं, 4 * 4 = 4, 4 * 2 = 8, इस 9 को काट सकते हैं इस 9 से, फिर 4 * 16 होता है उसको इस 16 के साथ में काट सकते हैं, फिर हमारे पास 2 बचा, इस 2 को हम इस 2 के साथ में काट सकते हैं, और इस तरीके से नीचे में अब एक और संख्या बची हुई है 9, इसको 3 के साथ काट सकते हैं, 3 * 3 = 3, 3 * 3 = 9 और अब हमारे पास एक और 3, ये जो 3 बचा है उसे काट सकते हैं, 3 * 3 = 9। तो नीचे में अब कोई संख्याएं बची नहीं है,
थ्री के साथ, इस तीन के साथ में हम इस नौ को काट सकते हैं, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ। तो अब हमारे पास काटने के लिए नीचे और कोई भी संख्या नहीं बची है, एक बचा हुआ है x का पावर 8 है और x का पावर 5 ऊपर नीचे, तो x का पावर 5 पूरा कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा x का पावर 3। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं अब ऊपर में बची हैं उनको आपस में गुणा करना है, 7 बचा, 16 बचा और ये बचा है 3 और ये 9, तो आपस में गुणा करेंगे। तो चिन्ह को देख लेते हैं, सब प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और इनको आपस में गुणा करेंगे तो 3 निया 27 हो जाएगा और 16 सात 112। तो हम 112 गुणा 27 करेंगे, 7 दोने 14 का 4 हासिल आया 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एकम 7, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दोने 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस तरीके से ये 4 8 4 12 हासिल आया 1, 8 हुआ 8 और 2 10 का 0 हासिल आया 1, 2 और 1 3। तो इस तरीके से ये 3024 माइनस 3024 और हमारे पास जो बचा है x का पावर 3, ये हमारा दूसरे नंबर का मध्य पद होगा। इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अब एक और सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है x प्लस a अपान x प्लस x अपान a का पावर 10 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए, मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए फिर से हमारे पास घातांक देखना है, पहले घातांक हमारा सम है, तो जब घातांक सम हो तो हमारा जो द्विपद है उसके प्रसार में मध्य पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ही सूत्र है, उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ n बराबर 10 और ये एक सम संख्या है, तो सम संख्या है अतः मध्य पद केवल एक ही होगा, हम ऐसा बता सकते हैं, केवल एक ही मध्य पद होगा और वो एक ही मध्य पद को हम लोग प्राप्त करेंगे, इसलिए मध्य पद का फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। तो हमारा मध्य पद का फार्मूला है n बटा 2 प्लस 1 वा पद, और n के जगह मान रखेंगे तो हमारा n का मान है 10, 10 बटा 2 धन 1 वा पद। फिर 10 को हम काट सकते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी अब प्राप्त होगा 5 प्लस 1 यानी 5 धन 1 वा पद, और इसी को हम 5 में से 1 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा छठवां पद। छठवां पद को हम लोग समझने के लिए T6 लिखते हैं, x प्लस a का पावर n के प्रसार में। तो T6 को हम व्यापक पद के रूप में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा T5 प्लस 1 वा पद, और T5 प्लस 1 प्राप्त हुआ यानी r का मान अब कन्फर्म होता है, तो अब हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 C5 और a के जगह लिखेंगे a बटा x का पावर 10 माइनस 5 इंटू a के जगह लिखेंगे x अपॉन a का पावर 5। ये सूत्र हम जो इस्तेमाल किए हैं उसे हम साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि t का पावर r प्लस 1 वा नंबर का जो पद होता है वो होता है n cr इंटू x का पावर n माइनस r इंटू a का पावर r। इस तरीके से उस सूत्र के माध्यम से इसके प्रसार में हमें यह पद प्राप्त हुआ है। अब 10 सी 5 का प्रसार करने से फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 इंटू 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल ये हमें प्राप्त होगा। फिर अगला a बटा x है, इसका पावर 10 माइनस 5 है तो हम इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा पावर 5।
फिर अगला जो पद है वो एक्स अपॉन ए है का पावर 5। इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला जो पद होगा हमारा वो फैक्टोरियल 10 को हम प्रसार करेंगे। कितने तक प्रसार करेंगे? हमारे पास यहाँ फैक्टोरियल 5 प्राप्त है और यहाँ भी फैक्टोरियल 5 प्राप्त होगा, तो हम इस 10 का प्रसार फैक्टोरियल 5 तक करेंगे। तो ये हो जाएगा 10, 9, 8, 7, 6 और फैक्टोरियल 5 तक। इन दो जगह से फैक्टोरियल 5 प्राप्त होगा, तो एक फैक्टोरियल 5 का प्रसार करेंगे तो फैक्टोरियल 5 का 4.5.4.3.2.1 और फैक्टोरियल 5 यहाँ से घटाने पर जो प्राप्त हुआ ये फैक्टोरियल 5 है। अब यहाँ आते हैं, a बटा x का पावर 5 है तो हम इसे लिख सकते हैं a बटा 5 बटा x बटा 5 इंटू, यहाँ पर जब जाते हैं x का पावर 5 है तो x का पावर 5 बटा a का पावर 5 हो जाएगा। इस तरीके से प्रसार करने पर अब फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 को आपस में हम काट सकते हैं। फिर संख्याओं को पहले काट देते हैं, 3 2 6 है, इस 6 को इस 6 के साथ में काट सकते हैं, 4 को काट सकते हैं, 4 एकम 4 4 2 8 और 5 को काट सकते हैं, 5 एकम 5 5 2 10। संख्याएं नीचे के पूरी कट गई है, अब x का पावर 5 ऊपर के x का पावर 5 के साथ में कटेगा, फिर a का पावर 5 है उसको हम इस नीचे वाले a के पावर 5 के साथ में काट सकते हैं। तो इस तरीके से अब संख्याएं जो बची हैं उनको आपस में गुणा करेंगे, 2 9 और 2 और 7, इनको आपस में गुणा करने से वो संख्या यानी गुणांक प्राप्त होगा। तो 2 2 4 और 4 7 28, 28 को 9 से गुणा करेंगे तो 28 × 9, 9 8 72, 7 5 9 2 18, 18 और 7 25, यानी हमें प्राप्त होगा 252। और उसके बाद चर राशि तो पूरे कट गई है, इस तरीके से ये हमें a अपॉन x प्लस x अपॉन a का पावर 10 के प्रसार में ये मध्य पद हमारा 252 होगा, जो कि इसके प्रसार का ये अचर पद कहलाएगा क्योंकि इसमें x पद प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। आगे आगे गणितीय आगमन के सिद्धांत एवं द्विपद प्रमेय में हम आगे कुछ और सवाल अब अगले पीरियड में हल करेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों हम एक सवाल पिछले लेक्चर में एक सवाल को हम लोग गलत कर डाले थे, आंसर में 7 का गुणा करना हम लोग भूल गए थे, उसी को आज हम लोग सुधारेंगे। चलिए हमारा प्रश्न था x क्यूब माइनस 1/x² का पावर 10 के प्रसार में छठवां पद ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल था और इस सवाल का हल जब हम निकाले थे, छठवां पद बराबर जिसे हमने T6 कहा, तो हमें एक अंतिम में एक स्टेप में हमें ये प्राप्त हुआ है 10.9.8.7.6.factorial5/5.4.3.2.1 × factorial5 और हमें x का पावर 15 इंटू माइनस x का पावर -10। इस तरीके से ये हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें हमने जो काटने के बाद हमें प्राप्त हुआ था 10 2 8 को काटते हैं तो 4, फिर 6 कटा था फैक्टोरियल 5 से कटा है और ये 4 कटा है 2 से
और 5 कटा है, 3 कटा है, 2 कटा है, और इस तरीके से ये सब कटने के बाद हम लास्ट में अब आंसर हमारा जो मिलेगा वो होगा 2 × 4 यानी 2 × 8, और 8 को 7 से जब गुणा करेंगे तो 8 × 7 = 56। तो 8 × 7 = 56, और उसके बाद यहाँ पर एक 9 और है संख्या अंक, इसे भी हम जब गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 252। देखिए उसके बाद x का पावर 15, x का पावर -10, तो x का पावर आपस में एक में प्लस है और दूसरे में पावर माइनस है, तो आपस में घट जाएंगे तो x का पावर 5 मिलेगा। साथ में माइनस चिन्ह हमारे पास है तो ये हो जाएगा आंसर -252 x का पावर 5। ये हमारे x³ - 1/x² 10 के प्रसार में छठवां पद होगा। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर होगा। धन्यवाद।